और दिवाली की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही है। जैसे मेरी फर्स्ट दिवाली है मेरे नए घर में यहाँ पे, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो मैं एक दिन पहले अपने नए घर में दिवाली करके फिर मैं दिल्ली जाऊँगी अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली मनाने, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, सो दे आर अलोन देयर। सो आई वुड गो एवरी टाइम आई गो टू दिल्ली एंड सेलिब्रेट दिवाली विद माई पेरेंट्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो आई एम गोइंग टू दिल्ली, एक्साइटेड फॉर दैट। आई गो टू गुरुद्वारा, आई एल मीट माई कजन्स, आई एल मीट माई फैमिली एंड बहुत सारा खाना, स्वीट्स एंड ऑल, सो आई एम रियली एक्साइटेड। या अगर मैं बात करूँ दिवाली की, कैसे मनाते हैं दिवाली, कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बचपन में या अपनी फैमिली के कैसे मनाते हैं कुछ बताना? बचपन की दिवाली अलग होती है बॉम्बे से अलग, राइट? दिल्ली की दिवाली बहुत ही अलग होती है, बहुत धमाकेदार होती है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एक्चुअली दिल्ली में दिवाली का, बॉम्बे में इतना नहीं है। और दिल्ली में मैं जब छोटी थी तो अपने कज़न्स के साथ दिवाली मनाया करती थी, बहुत सारे पटाखे फोड़ा करती थी मैं, जो कि बहुत गलत बात है, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कुछ समय पहले कि नहीं करना चाहिए ऐसे, ऑफकोर्स। सो अभी इस बार मैं दिवाली दियो से मनाऊंगी अपने घर में, अपना घर डेकोरेट करूंगी जाके, मेरे रूम में दिए लगाऊंगी, कैंडल्स लगाऊंगी, गुरुद्वारे जाऊंगी और पटाखे तो नहीं फोड़ूंगी बट एक एक फुलझड़ी डेफिनेटली जलाऊंगी जस्ट फॉर शगन। या दैट्स इट, कज़न से मिलूंगी, मोर ओवर अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, हम लोग कॉलोनी में मिल के दिवाली मनाते हैं और स्वीट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो बस थोड़ी सिंपल होगी, फैमिली के साथ होगी बट बहुत मज़ेदार और धमाकेदार होगी। और एक और चीज़ होता है दिल्ली नगर में बात, पत्ती खेले जाते हैं। और मेरे डैड बहुत अगेंस्ट है पत्तों के, बट हम मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, पापा आप मत देखो प्लीज़, मैं छुप के पत्ते खेलती हूँ मत देखना पापा आपको नहीं पता है। ओके या सो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली पत्ते खेलती हूँ छुप के, पर और जस्ट फॉर फन, हम लोग पैसों पे नहीं खेलते हैं, जस्ट फॉर फन वी प्ले, बिल्कुल मनी इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें। खेलते हैं यहाँ। इसके अलावा दिवाली में कैसा आप सेलिब्रेट करेंगे, कुछ मिठाई खा देंगे, स्वीट खाना, मतलब कैलोरीज बढ़ाना? आई नो, वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें। सो मैं दिवाली पे बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरे से होती ही नहीं है। अगर यार मेरे सामने काजू कतली, ओह गॉड, मैं सोच रही हूँ काजू कतली और कोकोनट की मिठाई और चमकी, ये सब होगा तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगी? ऑब्वियसली मैं डाइट नहीं करती हूँ दिवाली पे, मैं खूब जम के खाती हूँ। और आपके फ्रेंड्स आते कि नहीं सेल्फी लेने? अभी आप एक स्टार है बड़े टेलीविजन की, तो सेल्फी वेल्फी लेने आते क्योंकि दिल्ली में बहुत क्रेज है यार। ऑनेस्टली स्टार होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, मैं उनकी, मैं कभी भी ऐसा किसी को फील नहीं कराती कि यार अब मैं टीवी पे आ रही हूँ सो आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड हमारा रिलेशनशिप चेंज हो गया है। सो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसी मैं थी पहले उनके साथ, और मैं भी उनके उनको वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं उनके साथ थी। हम आज भी गालियाँ देके बात करते हैं। आखिर में दर्शकों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये दिवाली आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएं और लक्ष्मी जी आप सबके घर में आए, मेरे घर में तो आ ही रही हैं, आप सबके घर में भी आए। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।